का शमित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं होगा। जब तक आप अपनी आधुनिकता को उस परंपरा के साथ, जयराम तो जिस शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, कल बात हो ही रही थी कि जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि बहुत मूल्यवान हम क्या छोड़ आए और उस मूल्यवान को हमने कैसे एक विशेष लिंग, समुदाय और धर्म के लिए धीरे धीरे सुरक्षित और संरक्षित करना आरंभ किया, तब तक हमारे इसमें राजनीति में कलबुर्गी की हत्या होती रही। जब तक ये हमारे सबके अंदर बात नहीं आएगी, जब तक ये भेद रहेगा और छात्रों के बीच में, हम लोग जब पढ़ाते थे तो कास्ट सिस्टम गांधी के बाद लगा था कि शायद इस देश से चली जाए। गांधी ने जब पहला इस संसार का जो सबसे बड़ा जागरण किया और यह कि वे स्त्रियों को घर से बाहर निकाल के लाए, इसके पहले स्त्री लेकिन घर की चार दीवारी सात पर्दों के भीतर थी। पहली बार गांधी पब्लिक स्पेस में औरत को लेके आए हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो गांधी के तुरंत बाद फिर ये औरत भीतर चली जाती है। सत्याग्रह खत्म, आंदोलन खत्म, स्वयं सेविकाओं की आवश्यकता समाप्त और ये स्त्री फिर भीतर चली जाती है। अगर इस जगह को भी हम पकड़ के रख पाए होते तो ये जितनी समृद्धि है और आपके अंदर या हमारी पीढ़ी के अंदर या जो आने वाली पीढ़ी के अंदर है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम सब बहुत ही दिव्य, अगर हमारी बहन और हमारा भाई, हम और आप दो जन मान लीजिए ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते थे, आपके समय में ये नहीं है, तो जब दोनों लौटते थे पढ़ के किसी भी उससे मतलब सुविधाजनक परिवार से, तो भाई के लिए कहा जाता था कि वह एजुकेटेड होके लौटा है और बहन के लिए कहा जाता था कि वह मॉडर्न होके लौटी है। अन्ना करीना अगर संभवता उस काल में भी टॉलस्टॉय के अलावा किसी ने लिखी होती तो अन्ना ने आत्महत्या नहीं की होती, बाकी वो चाहे कुछ भी करते, मुझे लगता है, क्योंकि साहित्य बहुत अधिक आइडियोलॉजी के द्वारा, वह चाहे दक्षिण की हो चाहे मतलब वामपंथी हो चाहे राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, वामपंथी उधर जा दे और दक्षिण का स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने सिखाया है कि पत्नी को पति के वाम तरफ क्या करूं मेरा तो अभ्यास है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है सभी को अर्धनारीश्रम की परिकल्पना, अर्धनारीश्रम की परिकल्पना सबसे अधिक फसादी और सबसे अधिक धोखा देने वाली है। उसमें खाली हमको ये समझाया कि जो पुरुष है वह आधा नारी भी होके दिखा सकता है, आधी नारी को पुरुष बना के दिखाओ, तब तो प्रेमचंद कह देते हैं, प्रेमचंद कह देते हैं कि पुरुष अगर स्त्री हो जाए तो उसमें देवत्व के गुण आ जाए और स्त्री में अगर पुरुषत्व के गुण आ जाए तो आपके यहाँ हमारे यहाँ पहले संतुलन है ही नहीं, और इस संतुलन के अभाव में हम युवा पीढ़ी को बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम सब कर दोगे, बिगाड़ दिया पहले वो ढोल है, अब आपसे कह रहे हैं कि सब संभाल लो, ऐसा नहीं होता है। मतलब सारे युवाओं से देश को आशा है, आशा है, हमने कोई अच्छी परंपरा आपको सौंपी हो फिर आपसे आशा करें तो ठीक है, लेकिन कम से कम हमारी पीढ़ी ने जो बहुत संघर्ष, नहीं कहना चाहिए हमेशा संघर्ष, आर्थिक संघर्ष ही नहीं होता है, सांस्कृतिक संघर्ष बहुत अधिक होता है और दलित और स्त्री से अधिक इस बात को कोई समझता नहीं कि सांस्कृतिक संघर्ष सबसे कठोर और सबसे जघन्य होता है। अगर हम इस सांस्कृतिक संघर्ष में, जैसे अभी अपने लोग इस बहस में पड़ गए कि कुर्ता पहना कि जीन्स पहना, लेकिन इस बहस को किए बिना अगर हम इस बहस में पढ़ते कि हमें दोनों के लिए कैसे ही मॉडर्निटी लानी थी, या हमें हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए कैसे ही समान सुविधाएं लानी थी, हमने आदिवासियों को जहां मरने के लिए छोड़ दिया है, उनका जंगल छीन लिया, उनकी जमीन छीन ली और अब हम उनसे आशा करते हैं कि वे प्रकृति पुत्र बने रहें, तो उन्हें भी वही सरकारी नौकरियां दिख रही हैं, तो उनका या स्त्री का या दलित का किसी का भी असंतोष इस फ्रैक्चर्ड जगह के केवल पलस्तर से काम नहीं चलेगा। दीपा होती तो मैम हमारे यहाँ वैसे भी बहुत सारी हैं, जैसे अर्धनारीश्वर है, जैसे यत्र नारी पूज्यन्ते है और जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गच्छति, ऐसे बहुत सारे लुभावने डायलॉग हमारे पास हैं, हम लोग उनका यथास्थान समुचित उपयोग करते आए हैं, लेकिन अब समय है कि हम
अपने दिमाग का जाला साफ करके थोड़ा समझे। दो बात पहले बधाई स्वीकार कीजिए, आपको मुझे बधाई देनी है क्योंकि उनका मैसेज जो सही है। जब नाम बोला था मैंने ऐसी बात नहीं की, मैं मान लेता हूँ कि नया समय 90s का समय है। नहीं, क्योंकि आप लोगों से तो बार बार मिलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक संदेश हम लोगों को देना होता है अपने कम्युनिकेशन में कि ये जो 90s में जिसकी बात यहाँ से निकल जाएगी, नए प्रश्न है हम लोगों ने, शायद हम लोग मतलब मान के चल रहे हैं कि तीन तरह की दृष्टि है, उस तीन तरह की दृष्टि में दूसरी तरह की दृष्टि के साथ अपने को हम लोग एसोसिएट कर। मुझे लगता है कि तीसरे जनरेशन, तीसरे जिसमें आप लोग अपने को रख सकते हैं, उनको ये कहकर सौंपना है कि भाई तुम लोग हमने कुछ दिया नहीं, अब तुम लोग ही संभालो, ये संभावना भी है और ये दायित्व भी है। लाइसेंस नहीं है कि आप सब कुछ को उड़ा दें और सब कुछ को खत्म करें, ये एक बहुत जबरदस्त एक दायित्व उस समय युवाओं के करना। ट्रेडिशन को डिसमिस करना, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशन को डिसमिस नहीं करना है, ट्रेडिशन को तोड़ना खत्म करना नहीं है, ट्रेडिशन का जो अच्छा है उसको बचाना है। ये तो चीज़ें टूट जाती हैं और किसी न किसी तरीके से आप देखेंगे कि परंपरा की जो शक्ति है वो लौट लौट करके आती है। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के संदर्भ में जाना होगा कि वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो वगैरह जो है वही प्राण पुरुष कहे जाते हैं, उन्होंने समझाया था कि क्रांति क्यों जरूरी है। तो वोल्टेयर का कथन था कि दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो सब चर्च के कारण, धर्म के कारण, ये मूल स्थापना है उनकी, चर्च के खिलाफ इस तरह से विभिन्न है। लेकिन धर्म वही नहीं है जो कि जिसको क्लर्जी कहते हैं या जिसको हम लोग पुजारी श्रेणी कहते हैं, वो जो धर्म समझा रहा वही धर्म नहीं है। धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और उस धर्म की जो पूरी मोनोपोली है हमने किसी को दे रखी, जिसके कारण धर्म का जो ये इतना क्षय हुआ। मैं इस बात को यहाँ से जरूर समझता हूँ कि इस तरह के अप्रोच में कभी कभी क्या होता है कि अच्छी चीज़ को भी हम नष्ट कर देते हैं जो हमारे पास बचनी चाहिए। अभी आदिवासियों के का जो असर्शन है, आदिवासी जीवन के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं इसको बचाने की जरूरत। और अंतिम बात जो कि नहीं तो फिर वो गलत सिग्नल जाएगा, इसमें भी एक राजनीति आ रही है, हम लोग जो कह रहे हैं ना इसमें एक पॉलिटिक्स आ रहा है। अभी हम लोग दलित कह रहे हैं, अभी हम लोग आदिवासी कह रहे हैं, ये दोनों टर्म्स जो हैं लोडेड टर्म्स। दलित टर्म आज से 70 साल पहले नहीं था, था क्या? नहीं। आदिवासी टर्म भी नहीं। ये जो टर्म बनाया गया है या जो चल रहा है इसके पीछे भी एक राजनीति है। आदिवासी का बहुत सारा हिस्सा है, बहुत सारे टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को ना देख करके उस पूरे को एक साथ देखने की कोशिश करना भी प्रॉब्लम है। आदिवासी के भीतर भी बहुत तरह की समस्या है, वो मुंडा उड़ाओ आप उससे बात करते हैं तो उनको उनके अंदर का समझ सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट की बात आपने नहीं की, इवन जो दलित है, दलित के भीतर भी जो बहुत तरह के सवाल हैं उन सवालों को भी आप देखिएगा तो पता चलेगा कि दलित के भीतर भी महादलित है और महादलित वो भी राजनीति। तो एक जो कैटेगरी अपदस्थ होकर दूसरी कैटेगरी आ रही है उस कैटेगरी के भीतर भी डिकंस्ट्रक्शन की पूरी संभावना। ये काम एकेडमिशियंस का काम है और यही पे एकेडमिशियंस जो है वो एक तरह से आर्किटेक्ट ऑफ न्यू सोसाइटी। एकेडमिशियन जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर की तरह नहीं होता, एक ऐसी धुन बनाई और सब लोग जो है मतलब उसको मस्त हो गए। एकेडमिशियन जो होता है वो एक आर्किटेक्ट होता है, एक नए मानस को वो तैयार करता है और उसमें उसको बहुत बहुत सावधानी से चलना होता है कि किस तरह से उसको संवारा जाए कि असली चीज़ बच जाए और हम एक स्ट्रक्चर बना सकें।
इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को समझें और एकेडमिक काम को इस वक्त देश सेवा से भी बड़ा काम समझें या कम से कम देश सेवा का काम समझें। इस वक्त हमारे भीतर बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, बहुत जबरदस्त एक मंथन का युग है। इस मंथन के युग में विध्वंसक होकर तात्कालिक लाभ लेना, राजनीति के युग की शरण में जाकर के एक सीधा सहज मार्ग लोगों को उपलब्ध होता है, यदि जो सच्चा के मिशन होगा वो कबीर की तरह, कबीर भी जो है वो संत कबीर नहीं थे, वो एक दूसरे तरह के भक्त कवि थे जिनको सत्ता से कोई खास मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। ये ऐसा समय है इसमें ऑटोनॉमस इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है। ये टर्म ले रहा हूँ, रोमिला थापर मेरी टीचर थी, रोमिला थापर का टर्म है ऑटोनॉमस इंटेलेक्चुअल। मतलब ये कि ऐसा इंटेलेक्चुअल जो किसी राजनीति या किसी सत्ता के प्रतिष्ठान से अपनी शक्ति को प्राप्त नहीं कर रहा है, वो अपनी अपने विचार के भीतर से एक ऐसी त्वरा, ऐसी शक्ति पैदा कर रहा है जो लोगों को एक नए राह पर ले जाना चाहता है। तो ये समय लेकिन इस तरह का है और आप लोग बहुत क्रूशियल समय में मंथन के इस युग में इस एकेडमिक्स में है। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि जीवन संघर्ष तो अपनी जगह नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं कहना, आकांक्षाओं का एक संसार जटिल संसार भी हम सब के साथ है, लेकिन दायित्व गुरुदर दायित्व जो है आपके ऊपर रिकग्निशन के रूप में यंग रिकग्निशन ऑफ 90s, उसमें दायित्व से आप अपने को और सकारात्मक विध्वंस भी होता है, सकारात्मक भी होता है, आपका विध्वंस जो है वो नकारात्मक ना हो इसकी काम, जो भी आप कहें बुने रचे उसमें लेकिन सकारात्मक तत्व बचा रहे इसकी कामना है और यही मेरी यही ध्यान यही हम सबका काम है। थैंक यू। तो आपने जैसा कहा था आपने साथ में बचा ही दिया आपका बहुत संक्षेप में, अच्छा बहुत होती है बोलने की और शेयर करने की। कई बार इसके बाद हो चुकी है और हमेशा एक प्रश्न मेरे अंदर वो बचा ही रहता है। नाम मेरा नाम महेश सिंह है, मैं ये भी करूँ बहुत सकते महेश सिंह ऐसे कि मेरा सुना नहीं पा, मेरा नाम महेश सिंह है, हिंदी डिपार्टमेंट से PhD कर रहा हूँ। लेकिन अभी उसमें मेरा प्रश्न वो है कि जैसे आपने कहा सर ने कहा कि एक साहित्यकार जो है वो एक बच्चा भी बन सकता है, स्त्री भी बन सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो स्त्री भी पुरुष बन सकता है, इसकी पूरी संभावना रहती है। लेकिन आपने थोड़ा सा वो काट करते हुए कहा कि नहीं ऐसा संभव नहीं है मुश्किल, लेकिन थोड़ा सा मैं देखता हूँ जब भक्ति साहित्य में हम जाते हैं तो सूरदास जिस प्रकार से वर्णन कर देते हैं एक माँ और बच्चे का, उस प्रकार मीरा नहीं कर पाते, तो संभावना तो बनी ही रहती है कि पुरुष भी बन सकता है, वैसा वर्णन कर सकता है, उस भावना में जा सकता है। और मैम यही प्रश्न हमेशा सही करने के लिए ये प्रश्न आपके मन में आया यही बहुत बार पहली बात तो मैंने प्रोफेसर पटेल की बात को काटा नहीं पढ़ाया। दूसरी बात यही प्रश्न मैं आपसे पलट के पूछूं कि मीरा के मन में एक तथाकथित पर पुरुष को अपना मान लेने की और ऐसे समर्पण भाव से मान लेने की कि वे लौकिक पुरुष को छोड़ देती हैं, वह सूरदास में क्यों नहीं है? सूरदास को आपने एक स्थान पर कहा कि वे माँ की भावना ले लेते हैं, लेकिन उसी माँ की भावना को आपने स्त्री में पूरी तरह से आरोपित कर रखा, वही भाव मीरा में वही मातृत्व आना चाहिए था। आप मेरा सवाल मातृत्व पे नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ कि वो स्त्री भावनाओं को भी समझ सकते हैं अगर पुरुष लिख रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं। इसमें जहाँ पर अंतर आता है, मैं एक बहुत सामान्य सी बात है, हम किसी भी चीज को समझते हैं अपने दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण हमारा जो होता है वो हमें बोल देता है, उसी से हमारी संवेदना विकसित। पहले आप भक्ति के रूप को समझिएगा, इनका तो सत्य भक्ति है और उनका मतलब
सकती हैं, पहले ये बात समझ लीजिएगा, बाकी उसके ऊपर। बोध और संवेदना दो चीजें। अब इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, अपने सभी लोगों ने गद्य पढ़ा है, आधुनिक कवियों का पद्य भी पढ़ा है। हम लोगों को सामान्यतः भक्ति काल की कविताओं के बाद मुझे तो किसी की कविता याद नहीं होती, दिनकर के अलावा। और मुक्ति बोध तो जान ले लेते थे मेरी याद ही नहीं, स्कूल में कॉलेज लाइफ में एमएडीएस। तो ये जो संवेदना का स्तर है, क्या है कि कवि में एक दूसरे रूप में होता गया, दूसरे रूप में होता गया बोध बदलने के साथ। और यह जो बोध है स्त्री का, वह कई जैसे आधुनिक लेखकों ने बहुत सारे स्थानों पर लिखा है, किसी भी, लेकिन लेखिका ने यह नहीं लिखा है कि मेरी रचना जो है वह मुझे संतान के समान प्रिय है। और रचना की एक प्रसव वेदना होती है, कोई स्त्री इस वाक्य को नहीं लिख सकती, ये कोई पुरुष ही लिख सकता है, क्योंकि उसने प्रसव वेदना को झेला तो नहीं ही है, उसको अनुमान तक नहीं है कि वह वेदना होती क्या है। इसलिए वो बड़ी, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, फुटानी, बड़ी फुटानी से शब्द का प्रयोग करता है। पर स्त्री इस बात को समझती है कि प्रसव वेदना क्या होती है, रचना प्रक्रिया चाहे जितनी भी जटिल और जितनी भी घनी पीड़ा देने वाली क्यों ना हो, प्रसाद वह किंतु प्रसव वेदना से हर हाल में कम होती है। बोध के कई स्थान ऐसे हैं, सूरदास पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ये वे सामान्य स्थान हैं जिन्हें वात्सल्य में माता पिता दोनों ही साझा करते हैं। चूंकि हमारी परंपरा में पिता, हमारी जनरेशन को ही पिता अगर ज्यादा संतान को गोद में ले लेता था तो उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। अब ऐसे इलाके में, वात्सल्य के इलाके में कोई भक्त कभी या कोई कभी गया ही नहीं, तो ये वात्सल्य भाव पुरुष का भी हिस्सा था। ये आधुनिकता ने उस पुरुष को यहाँ मुक्त किया कि अब वो अपनी औलाद को, अपनी संतान को उसी तरह प्यार कर सकता है, गोद में ले सकता है जैसे कि माँ ले सकती है। सूरदास यहाँ इस स्थान पर बहुत उन्मुक्त है, सूरदास की ये विशेषता है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे भक्ति साहित्य में सिवाय सूरदास के तौर कोई सका ले, तो यह तो सूरदास की अपनी विशेषता हुई ना कि पुरुष मात्र की विशेषता हो, पुरुष साहित्यकार मात्र की विशेषता हो। सूरदास जो जन्मांध है, वैसे भी कहा जाता है कि अगर प्रकृति कोई एक अंग छीनती है तो दूसरा, दूसरी भरपाई करती है। और सूर के पूरे वात्सल्य वर्णन में ये वैसा ही वात्सल्य वर्णन है जैसे हम किसी राह चलते बच्चे को भी देखते हैं, उसके प्रति हमारे मन में एक भाव पड़ता है और हम अपने बच्चे के साथ संबद्ध करके उस भावना को समझ पाते हैं। इसलिए बहस का, अब जैसे मैंने आपको इसका उदाहरण दिया टॉलस्टॉय का, आन्ना ने आत्महत्या सिर्फ इस बात पर कर ली है कि उसने प्रेम किया। किस कारण से टॉलस्टॉय को मारना पड़ा, आप अपनी पुरानी तमाम हिंदी फिल्में देख लीजिए, अभी की छोड़ के, वहां पर तमाम फिल्मों में एक डायलॉग जरूर मिलता था नायिका या नायक की बहन के लिए कि गंगा की तरह पवित्र। तो ये जो बोध है इसने आपकी एक संवेदना को दूसरे प्रकार से विकसित किया। तुलसीदास में आपको यही वात्सल्य वर्णन इतना नीरस मिलता है, तुलसी महाकवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन वही वात्सल्य वर्णन आपको तुलसीदास में बहुत नीरस मिलता है। किसी किसी स्थान पर उस स्थान को स्पर्श कर लेना, मैंने कहा कि महान साहित्यकार की बात अलग होती है, संदेह वह मन के ऐसे कोने को झांक लेता है जो सामान्यतः हम लोग नहीं झांक पाते। जैसा कि इतने ने कहा कि वह घोड़े की बात करता है तो वो घोड़े की तरह करता है, जैसे मुपासा की एक कहानी है कि वह जब घोड़े से बात कर रहा है उसके गले से लिपट के रो रहा है, जब उसका जो कोचवान है वह स्थान तो निसंदेह निर्विवाद रहे हैं और रहेंगे, लेकिन जब तक हम सामान्यतः बोध की बात करते हैं तो थोड़ा अंतर कहीं रह जाता है। हाँ, तो इसको मान लेना चाहिए, ये चीजें होंगी ही। हाँ, तो हो। लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए, जैसे बहुत चलती है कंटिन्यू में कि दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है, स्त्री की स्त्री साहित्य लिख सकती है, मतलब इस तरह सहानुभूति और स्वानुभूति का प्रश्न कहते हैं इसे। तो सहानुभूति और स्वानुभूति के प्रश्न को तो हम लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया कि स्वानुभूति नहीं होती तो
प्रेमचंद नहीं लिख पाते। आप कुछ भी कह लीजिए प्रेमचंद को, कितनी भी उनकी रंगभूमि की प्रतियां चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रेमचंद प्रेमचंद ही रहेंगे। अन्ना के प्रति, अन्ना के कारण टॉलस्टॉय के प्रति मेरी असहमति हो सकती है, लेकिन टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय है, उस स्थान पर उनको कोई स्पर्श कर नहीं सकता। तो यह जो थोड़ा सा अंतर इसे हम मान लें, इस बहस में हम क्यों उलझें? प्रकृति का तो अंतर आप में और आपके मित्र में भी है, दोनों कैसे एक हो सकते हैं? तो जब तक आप एक लिंग के हैं, दो भाइयों में अंतर हो जाता है, दो जुड़वा लोगों में अंतर हो जाता है, तो उस अंतर को मान लें। तो ये मैंने कहा ना, एक संतुलन आपको बनाना पड़ेगा, परंपरा का मूल्यांकन करके आपको अपने समय के प्रश्नों से जूझना होगा। मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अगर भूख लग रही है तो शिकायत यही है कि बहुत देरी से आपने छोड़ दिया। अच्छा जी हाँ, क्या मैं ये कह रहा था कि जैसे किसको किस आधार पे मूल्यांकन किया जाएगा, जब किसी स्त्री लेखक, पुरुष लेखक या दलित लेखक का नाम नहीं होगा किसी रचना के लिए? बहुत मजेदार होगा, तब हम केवल पाठ और पाठक की प्रतिक्रिया पर बात कर सकेंगे। अगर देखिए, ये भी आधुनिकता की देन है, पहले के कवि प्राचीन काल में यूनान में भी और भारत में भी किसी भी रचना के नीचे अपना नाम नहीं देते थे, और आप लोगों ने, हम लोगों ने हाई स्कूल में भी कोई छोटी सी कविता लिखी थी तो उस पर तारीख और अपना नाम लिखा था, अपने ऊपर लिखना। अगर उसको हटा दें हम तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो। तो ऐसे पार्ट तब आप अपने हिसाब से लेंगे, तब भी वह अंतर इस प्रकार रहेगा कि जो पाठक जिस जाति लिंग और धर्म से उसको पढ़ रहा होगा वह उसका अपना एक पाठ तैयार करेगा। रचना जब एक बार आ गई तो वह मुक्त हो गई, अब वह रचनाकार की नहीं रही, अब वह मतलब आज के समय में उसे कमोडिटी ही कह रहे हैं, वह एक उत्पादन ही, एक वस्तु ही मानी जा रही है। लेकिन हम अगर रचना को बहुत प्यार से भी देखें तो भी वह आपकी अब नहीं रही, अब जो पाठक उसे पढ़ेगा उसका अपना पाठ उसका तैयार होगा, लेकिन वह पाठ तो आपकी अपनी वस्तुगत स्थिति की भिन्नता पर निर्भर करेगा। वो तो पाठक पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि संवेदना उसमें किसकी, उस विषय के प्रति ज्यादा और कम है, ये किस प्रकार से तय करेंगे? पुरुष का है, ये स्त्री का है, और इसने, एक स्त्री ने लिखा तो अच्छा लिखा है, पुरुष ने लिखा है तो अच्छा लिखा है, ये थोड़ा सा देखिए। रीतिकाल का साहित्य जो है, रीतिकाल का साहित्य इस मामले में सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक, रीतिकाल में तुलसीदास जी ना, क्या श्री रामचंद्र कृपाल बजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल, जो कुछ भी है कमल के समान। ठीक है, अब रीतिकाल की नायिका को ले लीजिए, जो भी नख सिख श्रृंगार वर्णन है, मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था कि लड़की नहीं हुई फ्रूट सलाद हो गई, ये किसी पुरुष ने पढ़ाया था मुझे हायर सेकेंडरी में। अब आप बताइए, स्त्रियां अगर अपना, अपने सौंदर्य का वर्णन करती, आप ही से मेरा प्रश्न है, तो क्या वैसे ही करती जैसे रीतिकाल के कवियों ने किया है? आपने स्त्री को बताया कि तुम ऐसे सुंदर हो, तुम गजगामिनी हो जो तुम अच्छी हो, अब औरत को बस पकड़नी है तो गजगामिनी कैसे हो? आपकी दृष्टि आपने उसे दी है, ये साहित्यकार के अपने बोध और संवेदना का अंतर। अब आप इसी तुलसीदास को अगर पढ़ेंगे, ये तो रामचंद्र के लिए जो मैंने अभी कहा करकंज लोचन, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप अपनी संवेदना से, अपने बोध से उसकी व्याख्या करेंगे। मैं जब पढ़ूंगी तो अपने अनुसार, प्रमोद जब पढ़ेंगे तो अपने अनुसार। ये पाठ की भिन्नता ही तो पूरे समाज की और पूरे साहित्य की क्या कहें, जान है, उसका प्राण तत्व है। मैं आपको तिलिस्मी साहित्य और जासूसी को हम अलग कर दें, और नवजागरण कालीन जो साहित्य उसको अलग कर दें। देवकी नंदन खत्री आदि का नवजागरण से उस अर्थ में कुछ भी लेना देना नहीं है, जैसे आज सुरेंद्र मोहन पाठक का एक अर्थ में हमारे समाज की चिंता से कुछ लेना देना नहीं है।
वहां पर स्त्री या तो चुड़ैल है, मायाविनी है, दाकिनी है, या फिर बहुत सुंदर राजकुमारी, यानी कि देवी और दानवी के बीच में तिलिस्मी अयारी पूरे साहित्य में मानवी का रूप पूरी तरह गायब। ये तो एक स्थापित सत्य है। वहां पर औरत जो है वह घर गृहस्थी भी नहीं चला रही है, वह संतान की माँ भी नहीं है, जो सामान्य औरत के धर्म और गुण माने गए हैं। जब हम नवजागरण काल के साहित्य में आते हैं, बालकृष्ण भट्ट और इवन की भारतेंदु हरिश्चंद्र के में भी, तो केवल एक उत्तराध में राधा मोहन गोकुल का नाम छोड़ दीजिए, वहां पर हम एक आदर्श स्त्री की स्थापना करते हैं। वह स्त्री भी किंतु वास्तविक स्त्री नहीं, एक ऐसा आदर्श जो राष्ट्र सेवा के लिए गढ़ा जा रहा है और उसकी परिणति होनी है स्त्री में। स्त्री जब तक आदर्श नहीं होगी तब तक वह समाज में स्वीकार्य नहीं होगी। वहां पर भी एक स्तर पर स्त्री को यही कहा जा रहा है कि तुम्हें सती होना है, तुम्हें सावित्री होना है। लेकिन कि भारतेंदु के साहित्य में भी सती प्रथा को समर्थन दिया गया है। तो और शिक्षा के विषय में जो मैंने अभी कई उदाहरण दिए थे, स्त्री को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी पहली बार जब पाठ्यक्रम खुला तो औरतों को होम साइंस ही पढ़ना था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में जिनके हम अधीन थे, जिनके हम कॉलोनी थे, वहां पर भी जब लड़कियों के लिए कॉलेज बहुत जद्दोजहद के बाद खोला गया, स्त्री शिक्षा खोली गई, तो वहां पर भी उन्हें लेकिन होम साइंस ही पढ़ना था। और काशीबाई कदेतकर जब जो पहली महिला डॉक्टर हुई महाराष्ट्र से, और जब वे पढ़ने के लिए निकली तो वे जूता और छाता पहन के जब लेके निकली तो गलियों में उन पर पत्थर बरसाए गए थे उसी 19वीं शताब्दी में, कि उन्होंने पुरुष वाले चिन्ह धारण किए। तो स्त्री का वास्तविक रूप लेकिन 19वीं शताब्दी में भी नहीं है, स्त्री का वास्तविक रूप लेकिन राजेंद्र यादव में भी नहीं है। यही समस्या है। राजेंद्र यादव या बाद के जो नए कवि धूमिल में, धूमिल हमारे बड़े प्रिय कवि हैं, लेकिन आप उसको एक बार स्त्री की दृष्टि से पढ़ के देखिए, जिसकी पूछ उठाई वह मादा निकला, धूमिल की पंक्तियां। तो क्या कायरता का जिम्मा केवल स्त्रियों का है? धूमिल हमारे बड़े प्रिय कवि, बड़े प्रगतिशील, बड़े वामपंथी, उनसे तो ये आशा नहीं थी। ये बात तुलसीदास लिखते तो बर्दाश्त हो जाती। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं धूमिल के। तो आपके यहाँ या तो जो हमारा नया कवि है, जो अकवि है, जिसे हम लोग आमतौर पर कुकवि कहते हैं, उसके लिए या फिर स्त्री सी ग्रेट है, उसका धुआं है। यानी कि वास्तविक स्त्री को सही तौर पे कहा जाए, बल्कि मुझे लगता है कि लेखिकाओं ने कलम भी इसीलिए उठाई होगी चिड़के कि क्या आप लिख रहे हैं। मेरे गुरु मैनेजर पांडे सर कहते हैं आय बाय शाय, उसके लिए वो यही इसी शब्द का प्रयोग करती कि आप क्या आय बाय शाय लिख रहे हैं दलित के लिए, आप क्या आय बाय शाय लिख रहे हैं स्त्री के लिए। तो यह नव जागरण की स्त्री ही अगर फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी से नहीं आई होती तो शायद हम लोग ज्यादा सुखी होते। अभी वह स्त्री एक मुखौटे में है, अभी वह स्त्री गई, अब वो दूसरे रूप में है। हाँ, तो आपकी कल्पना की दुनिया में, लेकिन वास्तविक औरत कहाँ है? नहीं, वह नवजागरण का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। वह अलग तरह का एक साहित्य है जिसे मनोरंजन का कहते हैं, पर उसने यह योगदान दिया कि मनोरंजन को हिंदी भाषा से जोड़ दिया, जिससे हिंदी भाषा के विस्तार में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। वहाँ है कल्पना, कल्पना की स्त्री है, यथार्थ की स्त्री वहाँ नहीं है। यथार्थ की स्त्री है नहीं, वो उनका क्योंकि उसमें साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का उन्होंने अपने उन्होंने किया। ये अवसर हम लोग को दिया जाए तो चलिए। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार सुंदर। रितिका, हाँ रितिका पूछिए। मैम, मेरा विषय शोध का विषय दलित आदिवासी पर ही है, तो मेरा क्वेश्चन भी वहीं से आ रहा है।
सर ने बोला कि मार्क्स कहते हैं कि औद्योगिकीकरण की राह, मतलब उनका कहने का मतलब ये तरीके से ये है कि राह में किसान मरेंगे ही मरेंगे, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जंगल जमीन को बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये लड़ाई बिल्कुल सही है उनकी, और दूसरी तरफ से जैसे सर ने बोला कि उनके बच्चे जो हैं वो आधुनिकता को ही अपनाना चाह रहे हैं, और अगर उनको कोई विकल्प मिल रहा है तो वो सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं। ये दो अलग अलग स्थितियाँ हैं, और एक जहाँ पे वो अपनी जल जंगल जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आधुनिकता, तो ऐसी स्थिति में वो किस हद तक अपना जो लक्ष्य है उसको पाने में सफल हो पाएंगे। क्योंकि अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि हम जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं वहाँ पर हम बिल्कुल परिवर्तित करते जा रहे हैं, जो 17वीं में था 18वीं में नहीं मिला हमें, 18वीं का 19वीं में, 19वीं का 21वीं में, 20वीं का 20वीं का 21वीं, हम बिल्कुल नीचे का छोड़ रहे हैं, और ये लोग उस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस हद तक सफल हो पाएंगे। नहीं, मेरे विचार में तो अगर जैसा कि प्रोफेसर पटेल ने कहा था कि राजनीति, जो बहुत सच बात है, राजनीति ही सब कुछ निर्धारित करती है, और ये दुधारी तलवार है। राजनीति अगर नहीं होती तो स्त्रियां और आदिवासी और दलित अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ पाते। तो राजनीति लेकिन अभी जिस रुख की ओर है उसने अगर परंपरा का दामन नहीं पकड़ा तो आदिवासी किसी भी हाल में अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि औद्योगिकीकरण जिस तेजी से हो रहा है वह बिना प्राकृतिक संपदा को नष्ट किए हो नहीं सकता, और आदिवासी समाज उसी प्राकृतिक संपदा पर ही निर्भर करता है। तो आदिवासी समाज से आप उसके मुंह का निवाला छीन रहे हैं, उस आदिवासी समाज के पास सर्वाइवल के लिए राजनीति, जो नई व्यवस्था है हमारे समय की, जो भी डेमोक्रेसी है, जो भी रोजगार के रोजी रोटी के साधन है, उसको अपनाने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। अब राजनीति को ये सुबुद्धि आ जाए कि हम जो औद्योगिकीकरण कर रहे हैं उसमें किसान और आदिवासी को भी शामिल कर लें, उनकी अपनी जो स्वायत्तता है, उनकी जो अपनी विशेषता, उसको मिटा देना, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो किसान अभी इस सरकार ने, जैसे मेरी दिन से बात भी हो रही थी कल परसों, मेरे कुछ संदेह थे, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार जो दाम बढ़ा रही है उसका एक कारण है कि किसान को कुछ उसका लाभ मिल सके। तो अगर ये समाज इतनी गहरी उथल पुथल के बाद भी बच गया उन किसानों और आदिवासियों को इस संसाधन का एक हिस्सा मिल गया, मतलब हमारा जो एनएससी है और हमारा जो शेयर मार्केट है उसमें अगर हमने उनको शामिल कर लिया तो ये बचेंगे। वरना जैसे अफ्रीकी समाजों में हुआ है, न उनकी भाषा बची, न उनकी संस्कृति बची, न उनका धर्म बचा, वैसे ही हमारा भी वही हाल होगा। लेकिन भारतवर्ष के संबंध में मुझे नहीं लगता, हम लोग बहुत ही जिद्दी किस्म के लोग हैं, बहुत अड़िया लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि जैसा अफ्रीका का हुआ, क्योंकि नवजागरण काल में भी अफ्रीका का जितना दोहन उन्होंने किया और जितना उन्हें सताया, जितना मारा, जितना अत्याचार किया, भारत में उसका 1% भी वे नहीं कर पाए। क्योंकि भारत एक अलग संस्कृति का देश है और यहाँ के आंदोलन जो होते रहे हैं ये हमें बहुत आशा बंधाते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। इनको मुख्य धारा में शामिल करने की जो बात कही जाती है राजनीति के द्वारा, ये मुख्य धारा इन्हें बचा लेगी, मुझे ऐसा। उन्होंने जो कहा वो 100% दर्श करना है, जिसको हम लोग मॉडर्न रेवोल्यूशन कह रहे हैं। हम लोग अपने पूरे आधुनिक विवेक में दो डुअल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने कि हमारे सारे आधुनिक बोध को बनाया है। एक बड़ी मायके की बात इसमें आई है कि रिसोर्स जनरेशन के या हम इस पर निर्भर है अपने होने में, वो दो चीज़ें हुआ करती थी, कृषि और जो मछली पकड़ना है, मत्स्य मत्स्य पालन और कृषि। लेकिन 20वीं शताब्दी में पहली बार इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऐसा हुआ कि दुनिया के तमाम लोग जो इन चीज़ों पे ज़्यादा निर्भरशील थे, मेजोरिटी इसी पर निर्भरशील थी, अब वो हुआ कि धीरे धीरे वो लोग सब उखड़ गए, वहाँ से हटने लगे, इसी के साथ गांव में गया। तो देखा गया कि 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बहुत दो तीन देश ऐसे बच गए, अफगानिस्तान, नेपाल,
बांग्लादेश, कुछ हद तक भारत का कुछ हिस्सा, जहाँ की मेजॉरिटी जो है वो इन दोनों चीज़ों पर निर्भर है। बाकी सारी दुनिया में लोग इससे निकल कर दूसरी जगह चले गए, गाँव से शहरों की तरफ आना, इस कारण से गाँव बचेंगे नहीं और गाँव वहीं बचेंगे जहाँ शहरों की सी स्थिति पैदा हो जाए, ये सुविधा हो। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन के जिसको हम लोग पैकेज में पाते हैं। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब मेरे पास नहीं है कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे और किस रूप में बचेंगे, और ये किसान जब वो किसान होगा जिस किसान को हम लोग किसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरे तरह के किसान भी हो सकता है। लेकिन सर, जैसे कि अभी हम बाहर की कंट्रीज में देखते हैं तो लोग बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं खेती के लिए, चाहे डेयरी फार्मों में किसी भी तरह से, तो वो भी तो एक औद्योगिकीकरण का ही रूप है। यही बात पूर्ण, आपने जो इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कोरिया में कह दीजिए, चाइना में कह दीजिए, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया में, आम जगहों में जो दूध बेचने वाला है वो सबसे बड़े इंडस्ट्रियस्ट लोगों के शामिल है, मतलब सबसे बड़े इंडस्ट्रियस्ट लोग जो है वहाँ दूध व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, है ना। तो इंडस्ट्री ने एक तरह से नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इतना अच्छी गहरी गिरफ्त बना रखी है, बना ली है, और वो धीरे धीरे हमारे मानस में ऐसे स्वाभाविक बन के आ गया है कि आज कल डॉक्टर मीना कह रहे थे कि सरकार कह रही है साइंटिस्टों से कि उन चीज़ों पर रिसर्च करो जो इंडस्ट्रीज लोग चाहते हैं हमारे देश के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। तो मतलब अब चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्री ड्रिवन हो गई, सोसाइटी इज नाउ मोर इंडस्ट्री ड्रिवन, ये बात लेकर आप मान लेनी चाहिए। तो अगर किसान को रहना है तो इंडस्ट्री को डिमांड रखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में आप जब फॉर्म भरते होंगे आप लोग तो उसमें रहते हैं कॉरपोरेट लाइफ का आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, हम लोग पहले समझ भी नहीं थी कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है, समझ में समय लगा कि कॉरपोरेट क्या मतलब, कॉरपोरेट होते हैं ना कि कॉरपोरेट का शासन चल रहा है, तो कॉरपोरेट के बारे में जानेंगे आप तो पता चलेगा कि हमारे जीवन पर कॉरपोराइटाइजेशन हो गया या हो रहा है। मार्केट में घुसते, आज वो मार्केट नहीं है मैडम जिस तरह का मार्केट आपने देखा है, हम लोगों ने पहले देखा था, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, किसान का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, स्कूल का तो हो ही चुका है, हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इन सारी स्थितियों में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप कैसे नए समाज को रचेंगे जिसमें मानवता बच जाए। किसान मानवता का प्रतीक नहीं है, किसान जो है ना किसान की छवि हमारे दिमाग में, मैं फिर साहित्य की दुनिया में जाना चाहता हूँ कि किसान की बात करते ही हमारे मन में करुणा का भाव है, पता नहीं त्याग का भाव है, लोलुप किसान जो है वह उसकी छवि मेरे दिमाग में कभी नहीं पड़ रहा, कुछ कारण ये जो प्रतीक है जिसका जिसके रिपोजिटरी जो है वो साहित्य होता है, उस रूप में स्त्री के रूप में मैं कहूँ स्त्री जितनी भी बिगड़ गया तो चलो स्त्री की छवि आ गई मन के जो है ना पर मैं एक कोमलता का भाव, एक ममता का भाव, वो बचना चाहिए। सर इसलिए बचना ना, शायद आप इन्फ्लुएंस हुए सोसाइटी से, आपको सोसाइटी ने ऐसा बताया कि ऐसी होती है, आप उस बात को मानते चलेंगे मानते चलेंगे तो हो सकता है शायद इसलिए आपके मन में रहता है कि मूल वजह है कि स्त्री मां है। और दूसरी बात ये है दूसरे देशों में जैसे बात की जाए किसानों की, वहाँ लोग ममता और करुणा नहीं रखते करती, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है, कृषि वहाँ इंडस्ट्री बना रखी है, और हमने क्या बना रखा है, हमने मतलब मॉडर्नाइज को ले लिया है, कपड़े ले लिए हैं, कपड़े पहन लिए, जींस पैंट पहन लिए, मॉडर्न नहीं है सर, जींस थॉट में होना चाहिए था वो नहीं है, हम वही सोच रहे हैं जहाँ मतलब हमें पहले पहले सोच सोचते थे ना वही सोच रहे हैं, ये खाना है यही रहना है, और वो क्या यानी 1920 से फंसे, हाँ वही वही फंसे 1920 से भी बहुत पहले, हाँ उससे पीछे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ हम बैठ के बातें कर रहे होंगे लेकिन ये बातें करने के बाद अरे यार छोड़ना है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है क्योंकि हम ये बातें करते हैं ना, खराब इज्जत जाऊंगे सर ऐसा करके हम भूल जाने वाले हैं, और मुझे लगता है कि हम मतलब इन्फ्लुएंस होते रहते हैं लोगों से, हाँ यार मुंतज ऐसी ही होती है, अरे क्यों हमें नहीं हो सकता क्या, पापा मतलब उसके अंदर क्या मतलब दया भावना नहीं होती, उसके अंदर भी होती है सर, मैं मतलब किसी एक पापा या मतलब उसको जेंडर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबके अंदर करुणा तो होती है सर,
और हमें मतलब लगता है कि सोसाइटी कन्फ्रेंस करती है ना, हमें उसी बात को मान लेते हैं और उसे हट के नहीं जाना चाहते। क्या नाम आपका? जी नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, करुणा वेस्ट में भी है, पश्चिम का आपने जो एक नेगेटिव चित्र खींचा है वो भी ठीक नहीं है। वहाँ की माँ भी माँ ही होती है, वहाँ का किसान भी अन्नदाता ही होता है, पर उन्होंने समता का जो सिद्धांत है वो ज्यादा लागू कर लिया है। लेकिन सर जो हमारे पास जो भावना है पड़ती वो उनके पास नहीं, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से आपकी जो बात है ना वो इतनी इम्पोर्टेंट बात है, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ कि इस विषय पर मैंने 2-3 साल बहुत चिंतन मन किया और मुझे आपकी बात 16 आने से भी लगे। लेकिन एक सिविलाइजेशनल प्रश्न है, प्रश्न ये है कि नदी को एक यूरोप का आदमी माँ के रूप में नहीं देखा है ना, और भारत का आदमी जहाँ भी चले जाएंगे तो नदी को माँ के रूप में, कोई ना कोई तो अंतर है यहाँ, शायद कोई एक सिविलाइजेशन। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं सोचना भी है सर, जब नहीं देखा है काउंटर तो करना भी है काउंटर। मेरे लिए प्रश्न उत्तर जो है ना वो दो डोमेन थे। मैं सबसे पहले कोई बात कहता हूँ तो मैं कुछ बचने की कोशिश करता हूँ बाइनरी, स्त्री पुरुष, सही गलत, प्रश्न उत्तर, अपना अपना प्रश्न बाइनरी में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा डोमेन बने जहाँ की जरूरत नहीं रहे उस बाइनरी को गिराने की कोशिश। शायद डायलॉग का सबसे अच्छा मतलब ये होना चाहिए कि आप प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष न रखें, वरना फिर वो डायलॉग कंटिन्यूस होगा, आप अपनी बात कहते रहेंगे और वो हम अपनी बात कहते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो बाइनरी को गिराना चाहते हैं, वो डायलॉग का एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। मैं मतलब ऐसी कोशिश जो नदी फ्रेंच अमेरिका में जो है किसान 500 बीघा 1000 बीघा है, तो बड़ा जो देश है यहाँ की चीज़ अलग है और वहाँ की चीज़ बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन हमारी उनकी राजनीति में भी अंतर है। हाँ, देखिए उद्योग का जो नियम है कि उत्पादन होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा समझता है, उसके सिवा वो कुछ नहीं समझता। तो जो छोटा किसान है, जो गोदान में प्रेमचंद ने लिखा है कि बोरी को तो अंततः मजदूर बनना ही है, इस किसान के प्रति हमारी कितनी भी करुणा हो उस किसान को तो हम नहीं बचा पाएंगे, पर शायद राजनीति ने ये रास्ता दिखाया कि ये छोटे किसान मिलकर यूनियन बना लें, एक संघ बना लें और फिर ये उद्योग से निगोशिएट करें, क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए। मैं अब एक बात ये है, अब सारे के सारे किसान ज़्यादातर बोली ही हो रहे हैं राय साहब समाज तो में। आप देखिए इस समय जिसके पास गांव में 7-8 बीघे जमीन होती है, कुछ सब घास जमीन है, पहले जो अपर थे उनके पास 100 बीघा 200 बीघा 300 बीघा, लेकिन अब मैं दूसरा चेंज हो चुका है। मेयर केस में जिसके पास 20 बीघा 25 बीघा हो तो अब बचे हुए, ज़्यादातर किसान
के पास 7 बीघा 5 बीघा ठीक है, और उसमें मैं ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। तो किसानों के यहाँ एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरा कितना बड़ा अंतर है जमींदारों और किसानों के बीच। आपने स्वामी सहजानंद के बारे में कुछ पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। आप लोगों की बातों को सुनते हुए मुझे स्वामी सहजानंद की बहुत याद आता है कि आप लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं वो मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कह चुका हूँ कि प्रश्न का उत्तर देना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्नों में उन चीज़ों को पाना जिसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वही ज़्यादा बढ़। मेरे लिए ये सवाल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं जब भी इस बारे में सोचूंगा दोबारा कि खत्री जी के उपन्यास में जो है स्त्री पुरुष का वो है और प्रदीप सक्सेना जो है उसमें स्वतंत्रता संग्राम की उस चेतना को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहना कि भाई किसान जो है वो अमेरिका का किसान अलग तरीके से, लेकिन अगर आपने अंग्रेजी लिटरेचर को ध्यान से पढ़ा होगा अमेरिका का उदाहरण शायद बहुत सटीक नहीं होगा, लेकिन जैसे जापान का उदाहरण, जैसे चीन का उदाहरण, आज चीन में चीन का उदाहरण ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। यूसुम का जो किसान है और आज का चाइनीज जो किसान है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उसका जो रिफ्लेक्शन आपके लिटरेचर में चाइनीज लिटरेचर में आया है वो हमको ज़्यादा बड़ा संकेत मिले। बालजात में आपने अगर पढ़ा हो तो बालजात का जो किसान बूढ़ा गोरियो, अगर आपने उसको पढ़ा बूढ़ा गोरियो को आप पढ़िए और जो न्यू फ्रेंच जो हम लोग तो फ्रेंच उस पर ही पढ़े लिखे हैं हिस्ट्री में जब जो पीछे हमारा मार्क ब्लॉक या फ्रॉड ब्रॉदर तो ये सब लोग आपको कहानी कहेंगे कि ये दबाव जैसे भारत में है ना ये फ्रांस में भी जबरदस्त रहा है, फ्रांस जबरदस्त रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ जब रहा या हम फ्रांस या चाइना या जापान की दिया के लिटरली जो बाइनरी है ना वो ईस्ट वेस्ट की बाइनरी इंडिया अमेरिका की बाइनरी, इस बाइनरी के बीच में क्या है ना कि हम कंक्लूजन ड्रिवन एक थॉट प्रोसेस में चल रहा है जहाँ कंक्लूज ऑलरेडी हमारे पास होते हैं और हम उन कंक्लूजन्स को सही प्रमाणित करने के लिए हम एविडेंसेस की तलाश में होते हैं। हमारा एक पूरा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जो होता है वो हमारे अपने कंक्लूजन्स की पुष्टि में सहायक होने वाले ही तत्वों की खोज। इसलिए मैं मेरा ये कहना है जो मैं यहाँ लिख रहा था इसको तो ये अप्रायरी जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा था वो इसलिए कह रहा था कि जो चीज़ हमने सोच ली किसी बात में सामने वाला जब तक उस पर नहीं पहुँचेगा तब तक मैं समझ सकता वो जो सिचुएशन उन्होंने उस टाइम की दी ना सर उस टाइम हुआ नहीं था इस वजह से उन्होंने ऐसी मतलब वो गाथा मतलब जो कहानी लिखी उस तरह से और जब हो रहा है या हो गया है तो इस वजह से शायद मतलब चेंजेस हुए हैं वही याद रहता है। और जब यहाँ भी चेंजेस होंगे ना कृषि के अंदर जब हम इंडस्ट्री बना देंगे इसको और यहाँ भी मतलब वो जो मशीन और टूल यहाँ अवेलेबल होंगे उसके अनुसार तो शायद मतलब हम मतलब धारणा चेंज कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मतलब मशीनीकरण हुआ तो ऑब्वियसली मतलब हमारी धारणा चेंज होगी ना बाकी आपकी जो शंकाएं है पूछ सकते हैं सर से फोन नंबर आप ले लीजिएगा फोन नंबर जो भी शंकाए हैं बाद में पूछ सकते हैं विराम नहीं दे रहे हैं संवाद को ये संवाद तो यहाँ से स्थापित होता है। और मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी जो आधुनिकता है वो विखंडित आधुनिकता है। मुझे लगता है कि इसका भी एक सकारात्मक पक्ष है क्योंकि अगर हम सारे लोग एक से आधुनिक बन गए तो जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा। सौंदर्य विविधता के अंदर ही होता है, उस विविधता को बचाए रखते हुए अगर हम आधुनिक बन सकें तो वो ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण होगा। तो
पूजन वगैरह आप कीजिए। सर को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा।